नमस्कार दोस्तों, कल हमने आपको एक गाय दिखाई थी जिसमें कि पशुपालक ने बताया कि उसको खीस पिला दिया गया था 3 से 4-5 लीटर तक, और उसके बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया और सारी कंडीशंस जो थी वो आप सभी के सामने थी। आपसे पूछा गया था कि आप क्या इलाज करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि खीस पिलाने पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपसे जब पूछा था तो हमारे निर्मल मीणा जी, जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छा प्यार चैनल के लिए हमेशा देते हैं, लगभग इनका फर्स्ट कमेंट ही रहता है। तो पहले तो धन्यवाद निर्मल मीणा जी, और आपने इलाज भी लिख डाला, सीपीएम बिकोलेक्स मेलोनेक्स ट्राइवेट टोनोफोस डीसीआर, और फेंटास बोलस दिए, बायोबूस्ट दे दिया आपने, और 500 ml सारकाफिरोल पिला दिया, आयरन टॉनिक और खुराक दे दी। भाई, आपने ट्रीटमेंट सही नहीं किया है। इस ट्रीटमेंट से इसका ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, फिर भी आपने चलो प्रथम कमेंट दिया, धन्यवाद। छोगा जाट जी है, दिग्दर्शन सिंह जी, हनुमान जाट जी, मोहन गिलबिले जी, घनश्याम लीलावत जी और द्वारका लाल मीणा जी ने भी हमें प्यार भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका फर्स्ट कमेंट आया है। और माखन सिंह जी ने इलाज लिखा है, हाय सर, सीपीएम बी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, ऑक्सी लगा करके मेलोनेक्स लगा देंगे, मल्टी विटामिन दे देंगे और पाउडर वेट जाइम 50 ग्राम पर डे, बोलस रोमन एफएस दे देंगे। तो यार, यहाँ पर भी मुझे माखन जी अच्छा नहीं लगा, ये ट्रीटमेंट से मुश्किल है ठीक होना, धीरे धीरे ठीक होगी। डॉक्टर प्रीतम कुमार जी कह रहे हैं, मस्त सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट प्रीतम जी। इसके बाद मुकेश दामू जी है, और बिट्टू गुजर जी और वेट ट्रीटमेंट जी, इन्होंने प्यार भेजा है। वेट ट्रीटमेंट जी ने लिखा है कि सर डीएनएस लगा देंगे, ट्राइवेट मोक्सेल टोनो मेलोक्सिकाम बिकोमने सीपीएम माइफेक्स बब जॉन और बायो बूस्ट भी दे देंगे। भाई, आपने उल्टा ट्रीटमेंट कर दिया मेरे भाई, इससे ठीक नहीं होगी। इसके बाद अरविंद सिंह जी ने भी हमें प्यार भेजा है, इंडियन ब्लॉगर मनोज जी ने भी प्यार भेजा है, ताज रफ़ी जी और अनुराग पटेल जी हमें हमेशा प्यार देते हैं। इसके बाद है दिग्दर्शन सिंह जी, जिन्होंने इलाज भी लिखा है, 2 लीटर आरएल दे देंगे, ट्राइवेट लगा देंगे, 20 ml डीसीआर दे देंगे और बी कॉम्प्लेक्स सीपीएम लगा देंगे, कैल्शियमस्ट केटासोल दे देंगे और कैल्शियम जेल दे देंगे, रोमन एफएस वेडजाइम लेटिफर अल्ट्रा और लीवर टॉनिक बूस्ट। भाई यार, बहुत ज़्यादा लिखा आपने, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो आपने नहीं लिखा, यानी सही इलाज की तरफ आप अभी नहीं बढ़ पाए हैं। नीतीश कुमार जी ने भी हमें प्यार भेजा है, आशीष सर ड्यूरा फ्रोजन 3, यार ये ड्यूरा फ्रोजन मेरे समझ में नहीं आया, फिर भी आशीष जी धन्यवाद आपको। हनुमान जाट जी ने लिखा है, एल्कोलोसिस हो गया है, रिंटोज दे दो, सीबीजी लगा दो, ट्राइवेट लगा दो, यूरिमिन मेलोनेक्स लगा दो, रूमन एपेस पाउडर दे दो और ब्रोटोन दे दो। भाई बहुत अच्छा आपने दिया, लेकिन मैं जो चाहता था वो आपने नहीं दिया। इसके बाद हर्षप्रीत जुगदे जी भी कह रहे हैं, हमें प्यार भेजा है उन्होंने, हंसराज गढ़वाल जी प्यार भेजा है इन्होंने, विनोद कुमार जी ने भी कहा है प्यार भेजा है, और हंसराज जी ने कहा है सेम केस टुडे फील्ड, यानी आज के केस फील्ड में मैंने भी एक ऐसा केस देखा है, इलाज इन्होंने नहीं बताया अपना। नमस्कार सर, केवेंद्र यादव किशनगंज यूपी से, प्लीज़ बकरियों में FMD का सुपर ट्रीटमेंट क्या होगा, ब्रांड्स नेम भी बताइए। देखिए, ट्रीटमेंट FMD का क्या होगा, ये हम जो हमारा बकरी वाला चैनल है रामावत गोट केयर, उस पर आप जा कर के देख भी सकते हैं, वीडियो पड़ा है FMD का। फिर भी अगर नहीं मिले तो आप वहाँ पर कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकृत खटकर जी लिख रहे हैं, मिल्क फीवर हुआ है सर, माइफेक्स लगा दो, CPM वेलामेल और मेलोनेक्स दे दो, बात ख़त्म। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। इसके बाद हमारे मनदीप सिंह जी ने लिखा है, सर नमस्ते, 500 ml सिरका पिला दो, वेरी गुड, सिरका इन्होंने पिलवाया है, पाउडर रोमन एपेस दिया है, बी कॉम्प्लेक्स CPM ट्राइवेट और हाईविट प्लस इन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जब खीस पिला दी जाती है, खीस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और खीस की वजह से हमेशा ही एल्कलोसिस होता है, यानी ये केस जो है वो पूरी तरीके से एल्कलोसिस का है, और इस केस में अगर सिरका पिला दिया जाए तो तुरंत आराम मिल जाता है, या फिर आप नींबू दिलवा दें, नींबू अगर नहीं मिल रहे हैं तो नींबू का सब दिलवा दें। तो इन चीज़ों से ऐसे केसेस को आराम से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, डाउट कहाँ जा रहा है, जब पानी बोल नहीं रहा है तो वहाँ पर डाउट जाता है कि क्या पता यार, खीस तो इन्होंने पिलाई लेकिन पहले से ही रूमन की जो pH है वो पहले से कम थी और खीस की वजह से वो संतुलित हो गई,
तो खीस वाला कोई मैटर है ही नहीं, वो मान लो गड़बड़ कर भी सकती है तो नहीं भी कर सकती है। भाई रूमन की पीएच पहले से मान लीजिए नॉर्मल है या कम है, तो उसमें अगर खीस पिलाई है तो वो तो नुकसान करेगी नहीं, फ़ायदा ही करेगी, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोई दूसरी बात भी हो सकती है, तो हमें चारों तरफ देखना है। और यहाँ पर जैसा कि सपोर्टिव थेरेपी में अगर सेलाइन वगैरह किया जाए और साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट भी दिया जाए तो रिजल्ट को बढ़ाया जा सकता है बहुत ही शानदार तरीके से। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर कीटोसिस, मिल्क फीवर और B1 डेफिशिएंसी और ऐसी ये एल्कलोसिस, इन सभी चीज़ों को मानते हुए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो है वो सिरका बहुत ही अच्छा काम करेगा, और साथ में सेलाइन लग जाए और कैल्शियम लग जाए तो कहना ही क्या। ये पूरा ट्रीटमेंट था जो यहाँ पर होना चाहिए था। तो बहुत ही अच्छा मनदीप जी, आपने अच्छा लिखा, लेकिन आपने बोतल को जगह नहीं दी। बिट्टू गुजर जी ने माइफेक्स को जगह दी है, लेकिन इन्होंने वही बात है, सिरका या कुछ ऐसा पिलवाया नहीं है तो थोड़ी सी रिजल्ट कम मिलेगा। इन्होंने बेटावेट एट्रोफिन और ये लगाए तो हैं, काफ़ी काफ़ी हद तक गए हैं, लेकिन पूरी जगह ना ही नहीं गए जहाँ पहुँचना चाहिए था। अरविंद यादव जी ने भी अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया अरविंद यादव जी, धन्यवाद आपको भी, आपने भी ये अच्छा लिखा है। और इसके बाद हमारे सुदर्शन बोरकर जी है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने, लिक्विड सिरका, वेरी गुड यार, सिरका पिलवा दिया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम दिया है आपने, कोई बात नहीं, रूमन एपेस पाउडर और बायोबूस दे दिया ना तो काम हो जाएगा भाई, आपने भी बहुत अच्छा लिख दिया। हमारे घनश्याम लीलावत जी ने DNS 1 लीटर लिया है, बहुत अच्छी बात है, मेलोनेक्स बीकॉम्प्लेक्स ट्राइवेट ब्यूटाफोस्फोन एंटी लिसा प्लस रूमन एफएस और डिवॉर्मिंग एल्बेंडाजोल। देखिए डिवॉर्मिंग यार, ताज़ा बीआईवी की डिवॉर्मिंग लीलावत जी मत करवाओ, प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ आप उल्टे फंस रहे हो यार। फैन क्लब जी ने भी धन्यवाद ये प्यार भेजा है। ताज रफ़ी जी कह रहे हैं रिंटोज लगा दो, CPM बेले में लगा दो, मेलोनेक्स ब्रोटोन दे दो और बायोबूस्ट और डिवॉर्मिंग करवा दो। नहीं नहीं ताज रफ़ी जी। उसके बाद हमारे जगशीर सिंह जी ड्रिप इंटरलाइट लगा देते हैं, ट्राइवेट और रेंटिडिन हाइड्रोक्लोराइड कीटोप्रोफेन और एट्रोफिन और नहीं 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 आपका भी ट्रीटमेंट मज़ा नहीं आया यार, जसवीर जी आज मज़ा नहीं आया। विनय यादव जी हैं और उन्होंने भी प्यार भेजा है। मोहन गिलबिले जी, अरे इनका कमेंट आया है, क्या बात है मोहन जी। इंजेक्शन इन्होंने नॉर्मल सेलाइन को यूज़ किया है, ट्राइवीवेट इंजेक्शन मेलोनेक्स और CPM बेलामेर इन्होंने यूज़ किया है और 10-5-15 लगाएंगे। कैल्शी मस्ट जेल इन्होंने दिलवाई है, तो हाँ सिरका पिलवा दिया, 100 ml से क्या होगा यार, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते। बाकी आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, दिल जीत लिया आपने, बहुत बढ़िया मोहन गिलबिले जी। इसके बाद 126 पराग भोन जी लिखते हैं, सर जी अगर 22 साल का बुल है और उसका टेम्परेचर 95 है और बैठ जाए तो उसे ड्रिप लगाएं या नहीं, और वो बचेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बच सकता है, आप प्रयास करें, अगर सेलाइन चढ़ाया जाएगा, ग्लूकोज उसको मिलेगा तो उससे वो बिल्कुल बच सकता है। नर्वाइन टोनिक उसे मिलेंगे, फोस्फोरस कैल्शियम उसे मिलेगा तो बिल्कुल वो बच सकता है। तो आप प्लीज़ प्रयास करें, जब तक सांस है तब तक आस है, प्रयास ना छोड़ें प्लीज़। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक अलग जानकारी के साथ, एक नए केस के साथ।